बहुत शुक्रिया। बानो, बानो, बानो। बाबा क्या हुआ? परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है सब, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इस टैक्सी वाले को पैसे दे दो जरा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे इंसान हो तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। अरे कोई बात नहीं जनाब, ये तो मेरा फर्ज था। जल्दी करो बेटा। माफ कीजिएगा, मेरे पास इतने ही थे बस। क्या पूरे नहीं? चलो भाई रख लो। ठीक है चलो। आइए बाबा। अल्लाह, आराम से बाबा, बैठिए। एक मिनट रुकिए। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। शुक्रिया बेटा। ये अच्छा किया। यहाँ रखें। बाबा जान, ये चोट कैसे लगी? गिर गए थे? काश गिर गया होता बानो, काश गिर ही गया होता। आज पता चला कि नजरों से गिरना क्या होता है। तुम्हारी बहन कहती थी ना हमेशा, काम देखो काम देखो, चलो काम पर जाओ। काम मिला कि नहीं, उसी चक्कर में ये हो गया। और वैसे मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती उसे, वो आगे सिक्योरिटी गार्ड है वो। उसने मुझे भी एक एड्रेस दिया। बाबा मुख्तसर बताए ना क्या हुआ, कैसे लगी आपको चोट? बेटा बता तो रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, शुरू से बता दो। अब जैसे ही मैं उस गली में अंदर गया तो वहां एक बड़ा सा कुत्ता मेरे ऊपर कूद पड़ा और मैंने उसे पकड़ लिया। हम लड़ने लगे, कभी मैं झपटा कभी वो झपटे, और आखिरकार कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। दुख रहा है क्या? हाँ दर्द तो हो रहा है मुझे बेटा, लेकिन ठीक हो जाएगा। बाबा कहीं उसे रेबीज ना हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी बाबा जान वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी। लगवा ली है मैंने, देखो ना हॉस्पिटल से तो आ रहा हूं मैं, बल्कि देखो डॉक्टर ने अपना नंबर भी दिया है, वहीं पर मैंने सेव कर लिया था। अरे ये चाबियां तो मैडम के घर की हैं। मैं यही बात करने वाला था। ये चाबियां मैं अपने घर की समझ कर ले गया, लेकिन जब तुम्हारी कॉल आई तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। उसी दौरान उस कुत्ते ने हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। खैर अब तो चाबियां मिल ही गई है ना। अच्छा बाबा जान, मिल तो गई ना, कोई बात नहीं। वो वेट कर रहा होगा तुम्हारा। क्या रॉकी नाम था ना उसका, है ना? कुत्ता कहीं का। नहीं, मैं कल चली जाऊंगी। इस हाल में कैसे छोड़ दूं मैं आपको? नहीं छोड़ोगी ना? कभी नहीं। चलो तो ठीक है फिर। तो एक गिलास ठंडा पानी ला दो मुझे। अभी लाई। बल्कि गर्म चाय भी ला दो। ठीक है। और साथ में केक भी। अच्छा। रॉकी, अच्छा नहीं किया तुमने।